कोरोना के मामले 10 लाख के पार। 3 दिन में आए 1 लाख नए केस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने किया दावा, नवंबर तक 1 करोड़ से पार होंगे केस। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों के इसके कारण मौत हो चुकी है और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई है और इसमें से 70% संक्रमण के मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात से हैं। लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना की महामारी काबू में नहीं आ रही। वहीं दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1.37 करोड़ हो गई है। नवंबर में 1 करोड़ से पार हो सकते हैं केस। भारत में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक दावा किया है। उनके मुताबिक देश में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर तक भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार चली जाएगी, जबकि 1 जनवरी तक भारत में इस खतरनाक वायरस से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। उनके मुताबिक 1 सितंबर तक भारत में कोरोना के एक्टिव केस करीब 10 लाख हो जाएंगे। अनुमान में ये भी कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में हालात सुधरते भी हैं तो भी देश में 1 सितंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख पहुँच सकती है। 3 दिन में 1 लाख नए संक्रमित। ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है कि सिर्फ 3 दिनों में 1 लाख नए संक्रमित मिले हैं। भारत में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ी है। 30 जनवरी को पहला केस आने के 109 दिन बाद देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पहुंचा था। अगले 39 दिन में ही ये संख्या 5 लाख को पार कर गई। अगले 28 दिन में 5 लाख मामले और आ गए और फिर देश में 5 लाख से 10 लाख केस पहुंचने में 20 दिन ही लगे। अमेरिका में 5 से 10 लाख केस 17 दिन में हो गए थे और ब्राजील में 20 दिन में मामले 5 लाख से 10 लाख पहुंचे थे और इन आंकड़ों को देखकर वाकई चिंता सताती है। 0.9% आबादी की हुई जांच। अभी एक बात ये भी है कि जो टेस्टिंग हुई है वो भारत की आधी आबादी की भी नहीं हुई। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 8,991 टेस्ट हो रहे हैं, यानी आबादी के लिहाज से सिर्फ 0.9%। सबसे ज्यादा संक्रमित 10 देशों में से सिर्फ भारत और मेक्सिको ऐसे देश हैं जहां टेस्टिंग की दर 1% से कम है। भारत में 111 लोगों में से एक की टेस्टिंग हो रही है, वहीं मेक्सिको में 171 लोगों पर एक टेस्ट हो रहा है। 10 सबसे संक्रमित देशों में ब्रिटेन में टेस्टिंग की दर सबसे ज्यादा 18.07% है। पूरी दुनिया की बात करें तो फेरो आइलैंड में सबसे ज्यादा 51.7% टेस्टिंग रेट है। हालांकि यहाँ की आबादी भी सिर्फ 49,000 के करीब है। लॉकडाउन से अनलॉक तक। भारत में लॉकडाउन से अनलॉक के सफर में कई तरह के बदलाव आए, हालांकि कई बार भारत की सराहना भी हुई। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद 25 मार्च से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया। देश में 2 महीने में 4 बार लॉकडाउन लगाया गया। पहला लॉकडाउन तो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगा। ये सबसे सख्त लॉकडाउन था। इस दौरान ऑक्सफोर्ड के ट्रैकर में भारत के लॉकडाउन को 100 में से 100 पॉइंट मिले थे। 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन लगा। हालांकि 20 अप्रैल के बाद सरकार ने लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी थी। फिर तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक और चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक लगा। इसके बाद 1 जून से देश की तालाबंदी को खोला जाने लगा और अनलॉक 1 लागू हो गया, जिसके बाद अब कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में गलतियां। सरकार ने देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया तो मजदूरों की कमाई भी बंद हो गई। जब देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा तो उसके बाद देश के कई हिस्सों से प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौटने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन लगने के 5 दिन बाद ही 29-30 मार्च को
दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल में 15,000 मजदूर इकट्ठा हो गए। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1918 में जब देश में स्पेनिश फ्लू फैला था, तब भी इस फ्लू को फैलाने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई थी। 1 मई से मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई राज्यों में कोरोना के मामले अचानक बढ़ गए। सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। नतीजा ये हुआ कि देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़ जमा होने लगी। भीड़ के साथ कोरोना के केस भी बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।